हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लाई हूँ आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, जो अधिकतर शादी में, किसी फंक्शन या पार्टी में बनाई जाती है। मेरे कुछ चाहने वाले दोस्तों ने मुझे कमेंट करके बोला भी है कि मैम, आप हमें आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनाना सिखाएं। आज मैं आपके लाई हूँ आलू की ग्रेवी वाली सब्जी। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है, और इसके लिए मुझे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने 4-5 आलू बॉईल करके छील लिए हैं, 2 बड़े टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, हरा धनिया पत्ती मैंने धो के बारीक कट कर लिया है, अदरक मैंने कद्दूकस कर ली है, 1 हरी मिर्च मैंने बारीक कट कर ली है, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने देखे पहले भी आपको बताया था, पंचमेल का मसाला ले रही हूँ मैं छौंकने के लिए। इसमें हम 5 चीज़ें ऐड करते हैं, सौंफ, जीरा, राई, दाना मेथी, कलौंजी। तो फ्रेंड्स, हम सब्जी में छौंक इसी का लगाएंगे। और खड़े मसाले, ये देखिए खड़े मसाले में मैंने तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी ली है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने रूटीन वाले मसाले। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो आलू बॉईल किए हैं इसके हम कुछ इस तरह से पीस कर लेंगे। ये देखिए, हमें आलू को बहुत ज़्यादा छोटा कट नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड, मैं कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। देखिए, 1 चम्मच, 2 चम्मच। इसमें हमने ऑयल ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए हमें इसमें पानी बहुत थोड़ा सा डालना है। ये सब्जी कई दिनों तक खराब भी नहीं होगी। अगर आप 1-2 दिन रखी भी रहने देंगे तो खराब नहीं होती है ये। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें पंचमेल का मसाला डाल देंगे, खड़े मसाले भी डाल देंगे। अब सबसे पहले हम इसमें घिसी हुई अदरक डाल देंगे। हरी मिर्च, हमने टमाटर कद्दूकस करके रखे हैं वो ऑयल में डाल देंगे। मसाले को अच्छे से भुनने देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने डाला है नमक, हल्दी पाउडर, हरा धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। ये भी हम थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये सब्जियां तो स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। मसाले को अच्छे से पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम आलू फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करने के लिए मैं दूसरी कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गर्म होने रखती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दिया है, वेट करेंगे। फ्रेंड्स, कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम आलू फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको कढ़ाई से बाहर बर्तन में निकाल लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको ग्रेवी में डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो गई है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आप दूध डालना चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। बॉईल होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब हम आलू डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट ग्रेवी को पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप शादी पार्टी जैसी सब्जी अपने घर बना के खा सकते हैं। आइए सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी पूड़ी के साथ बहुत ही पसंद की जाती है, तो आइए आज हम आपको पूड़ी बनाना भी बताते हैं। फ्रेंड्स, हमने आटा ले लिया है, इसमें हम अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन भी किसी भी किराना स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है हमने। आटे में नमक डाल देंगे। आज हम पूड़ी का आटा लगाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। पूड़ी का आटा हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, पूड़ी का आटा हमने लगा लिया है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे चिकनाई के लिए, ताकि आटा एक सा हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, आटा अच्छे से लग चुका है। अब हम इस तरह से थोड़ा ज़्यादा आटा लेंगे, इसको एक सा करेंगे। और इसकी इस तरह से हम छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, एक तरफ हम कुकिंग ऑयल चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। फ्रेंड्स, हमने पूड़ी तलने के लिए कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दिया है। आइए तब तक हम पूड़ी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम पूड़ी कुछ इस तरीके से बेलेंगे, हल्का सा इस पर तेल लगा लेंगे पहले, ताकि चिपके नहीं। पूड़ी को हमें ना तो बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। हम इस तरीके से 4-5 पूड़ी एक साथ बेल के रख लेंगे और फिर ऑयल में से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है, अब हम पूड़ी को तल लेंगे।
आप ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं तो थोड़ी सी और डार्क कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म पूड़ी, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, प्याज का रायता, गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। हमने गाजर के हलवे की और प्याज के रायते की रेसिपी आपको पिछले वीडियो में बताई है, तो फ्रेंड्स आप बनाइए, टेस्ट करके देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आज की हमारी स्पेशल थाली रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।